अड़की थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दरअसल सुखराम मुंडा उम्र लगभग 41 वर्ष, पिता बकुला मुंडा ग्राम पुरना नगर थाना अड़की जिला खूंटी, और दूसरा जगन्नाथ मुंडा उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता सोनाराम मुंडा ग्राम देवरीडी थाना अड़की जिला खूंटी, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी उपलब्ध कराई, जहाँ उन्होंने बताया कि दोनों ही आरोपी अवैध तरीके से अफीम की खेती कर रहा था और आज खेत में अफीम के फसल में चिरा लगा रहा था, और चिरा लगाने के क्रम में पुलिस ने छापेमारी करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अभियुक्त के पास से पुलिस ने चिरा लगाया हुआ अफीम का पौधा, फल सहित, और अफीम जो कि फल से निकाल कर रखा गया था, लगभग 55 ग्राम अफीम भी बरामद किया है। फिलहाल सभी को जब्त करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दिनांक 25/2/2024 को पुलिस अधीक्षक महोदय खूंटी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अड़की थाना अंतर्गत ग्राम देवरीडीह में अफीम खेत में चीरा लगाते हुए एवं अफीम निकालते हुए दो व्यक्तियों को, सुखराम मुंडा और जगन्नाथ मुंडा को पकड़ा गया है, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है एवं साथ ही जब्त अफीम को बरामद किया गया। आगे कार्रवाई की जा रही है। कितना अफीम है सर? अफीम की मात्रा तो कम है, 55 ग्राम है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली थोड़ा चेंज हुई। पहले भी हम लोग अफीम की खेती तोड़ते आए हैं और अफीम का विनष्टीकरण किए हैं, साथ ही अफीम बरामदगी हुई है। इस बार हम लोग अफीम खेत में एम्बुश कर रंगे हाथ अफीम को निकालते हुए चीरा लगाते हुए गिरफ्तारी करने पकड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कार्रवाई ज़्यादा अच्छी रहेगी, जिससे अफीम की खेती करने वालों को नुकसान होगा और हतोत्साहित होंगे।